एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा, जो मैं बनाने वाली हूँ, वो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में है। उसका एक फेस वॉश है, स्क्रब है, तो अलग अलग मैं वीडियोस बनाऊंगी, शॉर्ट में बनाऊंगी 2-3 वीडियोस, और वो पार्ट में अपलोड करूंगी। तो आपका जो चैनल है, जो आज मैं करने वाली बनाने वाली हूँ, वो स्किन केयर रूटीन के बारे में है और उस प्रोडक्ट के फीडबैक के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। ये हैं सारे प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मैं बताने वाली हूँ, और साथ में एक बहुत अच्छी खुशखबरी, जो मैं काफ़ी मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं कि मैम आप एक ये वीडियो बनाइए कि स्किन केयर रेजीम कैसे फॉलो करें, क्या फॉलो करें, किस तरीके से यूज़ करें। तो मैं वो भी बताऊंगी, इन्हीं प्रोडक्ट्स के ही थ्रू बताऊंगी। तो आपको मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट का फीडबैक दूंगी और स्किन केयर का रेजीम बताऊंगी। तो ये है गुड वाइब्स रोज़ हिप, जो कि है इंस्टेंट ग्लो फेस सीरम। ये सीरम है, बहुत अमेजिंग है। मैं आपको जब एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी तब आपको पता चलेगा। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फेस वॉश है, ट्री ट्री नाइट क्रीम है एंड स्क्रब है, साथ में रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर का मैं एज अ टोनर की तरह अभी यूज़ कर रही हूँ। तो जिसके पास टोनर है वो टोनर यूज़ करेगा। अभी मेरे पास टोनर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, बट वो एज ए टोनर की जगह पे। डे क्रीम मेरे पास नहीं है, बट मेरा स्किन अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखा है, इस रीज़न से मैं जॉनसन्स बेबी का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मुझे यही अभी सूट कर रहा है, और कहीं मैं बाहर ज़्यादा जा नहीं रही हूँ, इसलिए मैं अभी सनस्क्रीन को थोड़ा बहुत स्किप कर देती हूँ, बट थोड़ा यूवी प्रोटेक्शन लगा रही हूँ। ये है ओरिफ्लेम का बॉडी क्रीम, हैंड एंड बॉडी क्रीम। तो इसका आपको मैंने बस सिर्फ बता दिया है, एक दिन एक रिव्यू आपको मिलता रहेगा पार्ट्स लिए, तो वो वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। ये है मामा अर्थ टी ट्री फेशियल फॉर्मिंग वॉश, मतलब फॉर्मिंग फेस वॉश है ये, और टी ट्री के साथ है। तो ये किसके लिए? वैसे ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, पर सबसे ज़्यादा बेस्ट ये किसके लिए है आपको मैं बता देती हूँ। शायद हो सकता है कैमरे में आपको उल्टा दिख रहा हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। मामा अर्थ का प्रोडक्ट है, फेस वॉश है, और इसमें बहुत ही माइल्ड, मतलब इस तरीके का ब्रश है कि आप बहुत स्मूथली, मतलब इतना, मैं पहले सोच रही थी इसे बाय करने से पहले कि लूँ कि नहीं लूँ, बहुत हार्श करेगा स्किन पे। और उस टाइमिंग पे ना मेरा लास्ट, मतलब विंटर्स पे पूरा स्किन मेरा बिल्कुल रैशेज हो रहा था, बहुत सेंसिटिव हो गया था। फिर मैंने ये स्टार्ट किया, उसके बहुत रिव्यूज़ भी मैंने पढ़े थे, और मैंने पहले इसके इन्ग्रीडियंट पढ़े। ऐसे में कुछ भी कभी मार्केट से बाय नहीं करती हूँ, बिकॉज आई हैव डन स्किन केयर कोर्स ऑल्सो विद डॉक्टर्स, उनके अंडर में ट्रेनिंग रही है मेरी, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या प्रोडक्ट्स में क्या होना चाहिए, किस स्किन टाइप के लिए होना चाहिए। तो बेसिकली यू कैन ट्रस्ट मी, टी ट्री ऑयल ये स्पेशली पिंपल्स और एक्ने के लिए सबसे बेस्ट है। जिसके पिंपल्स और एक्ने आते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिबल है, क्योंकि ये एक्सेसिव डर्ट ऑयल जो होता है उसको रिमूव करता है, एक्ने के जो भी डर्ट होता है उसको सक करता है और बाहर निकालता है। पैराबिन फ्री है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, और सूट फॉर स्किन ऑल स्किन टाइप। बाकी किस पे ज़्यादा वर्क करेगा मैंने ये बता दिया, उनके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है। तो ये मेरी स्किन बेसिकली ड्राई है, और आपको लग नहीं रहा होगा मेरी स्किन ड्राई है, बिकॉज मैं स्किन केयर का रिजीम प्रॉपरली फॉलो करती हूँ, और साथ में अपनी डाइट भी लेती हूँ, प्रॉपर पानी पीती हूँ, तो ये ज़्यादा बेस्ट करता है। पहले मैं आपको इसे यूज़ करना बताती हूँ। ये निकल जाता है प्रॉपरली, तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, बट ये इजीली निकल जाता है। अब इसको आप ये ऐसे प्रेस करेंगे, दिस ऐसे, और इसको आप डायरेक्टली, आपका ये पर्सनल है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कीजिए, कहीं से भी कैसे भी पकड़ लीजिए, और हल्के हल्के जेंटली और सर्कुलर मोशन में करना है। तो इसी तरीके से ये सर्कुलर मोशन में इस तरीके से करते जाना है। तो जैसे यहाँ पे चीक पे करा, चिन पे करा, फॉरहेड पे करा, इसी तरीके से। और ये आपको दिख रहा होगा, मैं बहुत ही हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथों से, और बहुत ही स्मूथ है, बहुत बेस्ट है। तो इतना स्मूथली इसका ब्रश चलता है, और मेरी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मुझे लगा था कि यू नो रैशेज हो जाएंगे बहुत, क्योंकि स्क्रब भी मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ट्राई करके देखती हूँ कंपनीज के। तो इसी तरीके से आपको जेंटली पूरा सर्कुलर मोशन में पूरे फेस से लेके पूरा, इनफैक्ट आप नेक तक भी कर सकते हो, मैंने नेक पे भी किया है।
तो यहाँ पे मेरा हो चुका है फेस क्लीन और बहुत सॉफ्ट एंड सफल फील हो रहा है, बहुत फ्रेश फीलिंग आ रही है मुझे और ऐसा लगा कि यू नो पूरा डीप क्लीन कर दिया इसने, पूरा जो भी मेकअप था सब अच्छे से निकल गया है, डर्ट वगैरह सब रिमूव हो गया है और बहुत बेस्ट अमेजिंग फीलिंग्स। फाइनली ये मेरा लुक हुआ है इसको यूज करने के बाद, और कैन यू बिलीव इट, मैंने मेकअप किया हुआ था, थोड़ा सा बेस लगाया हुआ था और आई फॉरगॉट टू क्लीन माई मेकअप विथ मेकअप रिमूवर, तो अब मैंने इसको यूज किया है और इतना सॉफ्ट एंड सपल और इतना लाइट एंड फ्रेश फील हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरा फेस ग्लो कर रहा होगा, मेरी नोज शाइन कर रही होगी सी, और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो ये है फेस वॉश का रिव्यू जो मैं आपको बता रही हूँ, और बिल्कुल लीचिंग नहीं करता है, बहुत सॉफ्ट इसका ब्रश है, ये थोड़ा सा रेडिश हुआ है क्योंकि मैंने इसको लिप में भी किया है, तो इसका मतलब ये ब्रश आपके लिप्स में भी वर्क कर रहा है, इन द सेंस ये ब्लड सर्कुलेशन का भी वर्क कर रहा है ना ऐसे ऐसे गोल गोल कर करके, तो उससे क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे जो लिप्स हैं उस पर भी वर्क हो रहा है, एक तरफ से ये पूरा फेस में मसाज हो रहा है, इसी रीजन से मेरा फेस ग्लो कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या है, तो आपने जैसे देख लिया कि मैंने पूरा फेस क्लीन कर लिया है, बहुत सॉफ्ट एंड सफल फील हो रहा है मुझे, जेंटली क्लींस रिमूव एक्सेस ऑयल एंड एंटी बैक्टीरियल है, टी ट्री ऑयल में एंटी बैक्टीरियल भी होता है कि अगर किसी चीज़ का कुछ फेस पे इन्फेक्शन भी है या पिंपल्स है उसका मार्क्स है या ब्लड है तो ये उसको भी अच्छे से क्लीन कर देता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इन्ग्रीडियंट्स में बहुत सारे हैं, मैं मेन मेन बता देती हूँ कि इसमें मेंथॉल है, इसमें ये एक तो फ्रेग्रेंस फ्री है, टी ट्री ऑयल है, नीम ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, बीटा इन सोडियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली है, कुकुम्बर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब का मिक्सचर बना हुआ है, बेसिकली किस पे काम करता है तो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको प्रॉपरली अच्छे से ले सकते हैं, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, हालांकि मुझे छोटे बच्चों का नहीं पता, उनके लिए जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड, तो ये कॉलेज के बच्चे हैं और वो उससे बड़े सारे बच्चे यूज़ कर सकते हैं, बड़ा कोई भी एज ग्रुप का इसको फॉलो कर सकता है, इसको यूज़ कर सकता है, प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, और सबसे अच्छी बात है कि इसका ब्रश बहुत सॉफ्ट है, प्लीज़ ज़ोर ज़ोर से मत कीजिएगा, अगर बहुत सॉफ्ट है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ज़ोर से मैं रब करूँगी तो मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता, ये जेंटली इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत जेंटली, इतना सॉफ्ट ये क्लीन हो जाता है, ठीक है, ये जब भी अभी आप इसको निकालोगे ना मैं आपको दिखा देती हूँ, आराम से इसको रिमूव करेंगे ये क्लीन हो जाता है, बस इसको आपको प्रेस करना है, प्रेस करेंगे तो इसका फॉर्म आएगा इस पर और फिर आपका ये अच्छे से यूज होगा, इसको खोना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा इस फेस वॉश का, ये है कि क्लेंजर, और इसको यूज़ कीजिए, इसका फीडबैक बताइए, आपका कोई और कुछ कंसर्न है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और अगर मुझे पूरा इंटायरली मैं लास्ट में एक स्किन केयर भी बता दूंगी आपको, अगर आपको मेरे ये सारी वीडियोस पार्ट में देखनी पड़ेगी, पार्ट वन पार्ट टू इस तरह से आपको पूरी देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।